डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मीरा के पद का सेकंड स्टेंजा जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। क्लास टेन का हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम मीरा पढ़ रहे हैं, है ना। तो मीरा, इसके पहले वाले पीरियड में हमने आपको मीरा का जो पद पढ़ाए थे वो दो पद हमने पढ़ा दिए थे। आज हम फिर दो पद ले रहे हैं और वो दो पदों का आपको अर्थ सहित मैं यहाँ पर बताऊंगी। इसके पहले मैंने जो बताया था कि श्याम माने चाकर राखो जी, इसके पहले वाला जो पद मैं आपको बोल के बताती हूँ। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासू, चाकर रहसु बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। और वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गासू। इसका मैंने आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि मीरा बाई जो है वो चाकर मतलब नौकर रहना चाहती हैं, भगवान कृष्ण की दासी बनकर रहना चाहती हैं और यही बताना चाहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने पास में रखिए, मैं आपके पास में रह के क्या काम कर सकती हूँ, मैं आपके बाग बगीचे लगा सकती हूँ। उस बाग बगीचे में आप दिन रात आते रहते हो, जब भी आते रहते हो, कम से कम मुझे नित्य उठे दर्शन आपके होते रहेंगे और उसी तरह मैं आपके बाग की भी सेवा, बगीचे की भी आपकी सेवा करते रहूंगी, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा लगा कर उनकी सेवा के साथ साथ आपके दर्शन पा सकूं, यही रहकर आपकी चाकरी करना चाहती हूँ, है ना। दूसरे में बताया कि वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासू, यानी मैं वृंदावन की आपकी जो गलियां हैं, क्योंकि आपकी हर पग वहां पर, हर गली में आपके पग पड़े हुए हैं और मैं वहां पर मैं आपकी भक्ति के कारण मैं आपको इतना जानती हूँ, इतना मानती हूँ और उसके लिए मैं गा गा कर लोगों को आपकी लीलाओं के बारे में, आपकी लीला गा गा कर सुनाऊंगी। और मैं वृंदावन की जो गलियां हैं वो गलियों में बस दिन रात मेरा एक तारा लेकर मैं बस आपके नाम का बखान करते रहूंगी, आपका ही नाम लेते रहूंगी, आपको ही सुमिरन करते रहूंगी। तो हे प्रभु, आप मुझे अपनी चाकरी में रख लो, है ना। इसके पहले हमने ये पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं कि चाकरी में दर्शन पासू। वो दूसरे पद में बोल रही है अपने कि चाकरी में दर्शन पासू, सुमिरन पासू खर्ची। मैं आपकी चाकरी तो करना ही चाहती हूँ, लेकिन चाकरी में दर्शन का, वो चाकरी कैसे रहेगी, वो चाकरी में आपके दर्शन मुझे होते रहेंगे, क्योंकि मैं आपके नौकर बनकर रहूंगी तो मेरे मालिक के तो दर्शन मुझे होते ही रहेंगे, है ना। तो इसलिए वो कहती हैं कि चाकरी राखूं, चाकरी में दर्शन पासूं, चाकरी आपकी चाकरी करते रहूंगी और आपके दर्शन पाते रहूंगी। पासूं मतलब पाना, है ना। तो मैं आपके दर्शन को पाते रहूंगी, आपके दर्शन मुझे मिलते रहेंगे तो मेरे मन को भी एक सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो आपके दर्शन की ही दीवानी हूँ, आपको ही, आपकी ही दीवानी हूँ। तो हे प्रभु, आप मुझे दर्शन देते रहेंगे तो आप मेरे साथ ही रहेंगे, आप मेरे पास ही रहेंगे, इसलिए मैं आपके पास में रहना चाहती हूँ। हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है, हे कृष्ण, आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने पास ही रखो। कहने का मतलब यह है कि आप मुझे अपने पास में ही नहीं, मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें, जो भी, यदि मैं नौकर हूँ और नौकर बनकर आपकी चाकरी करना चाहती हूँ, आपकी नौकरी करना चाहती हूँ, तो उसमें भी मेरा ही फायदा है। मैं क्यों मेरा फायदा है? क्योंकि मैं आपको दिन रात आपके दर्शन करते रहूँगी, क्योंकि मैं तो आपकी अनन्य भक्त हूँ और उसके साथ साथ आपकी दीवानी हूँ और आपके दीवान, मेरी दीवानगी का एक ही रहस्य होगा, वो होगा आपका दर्शन, और आपका दर्शन ही मुझे सबसे प्यारा होगा। हे प्रभु, इसलिए आप मुझे अपने दर्शन के लिए, अपने दर्शन हेतु मुझे अपनी चाकरी दे दो, है ना, आपकी नौकरी दे दो, भगवान से वो प्रार्थना कर रही है। दूसरा लिखा है कि भाव भगत जागिरी पासू, तीनों माता सरसी। भाव भगत जागिरी पासू, जो मेरे मन के भाव है, जो मेरे मन की उद्गार है, जो मेरे मन में जो भाव है, आपके प्रति जो भावना है, वो प्रभु क्या होगा कि मैं आपके दर्शन पाकर वो मेरे मन को सुकून मिलेगा, मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरे मन को एक अच्छे से भाव मेरे उमड़ेंगे, है ना। उमड़ेंगे कहने का मतलब कि मेरी जो भावना आपके प्रति है वो आपके प्रति
एक अच्छी भावना जागृत होगी, और हे प्रभु इसलिए आप मुझे अपने पास में रखो, इसलिए मैं आपके पास में रहना चाहती हूँ। और क्या कहती है कि भाव भगति जागरी पासियों तीन बाता सरसी, उसमें तीन फायदे हैं मेरे। सरसी मतलब फायदे, मतलब तीन बातों में, तीन बातों का फायदा है। क्यों, क्या फायदा है कि मैं, मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें तीन फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे कि वो है पहला कि हमेशा कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे। पहला फायदा यह है कि मैं यदि उनकी चाकरी करती रहूं, उनकी नौकरी करती रहूं, तो सबसे पहला क्या होगा, मेरे उनके जो दर्शन होंगे वो दर्शन मेरा सबसे पहला फायदा है। सबसे पहला फायदा क्या है कि हमेशा मुझे कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे। दूसरा है कि उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। अब जो भी प्रिय होंगे उनके, जो भी भाई, मैं उन्हीं में मगन रहना चाहती हूँ, कृष्ण में ही मगन रहना चाहती हूँ, तो मैं, मुझे औरों की किसी की याद नहीं रहेगी। और दूसरा फायदा यह है कि मुझे और किसी के लिए कुछ नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे तो वो मुझे किसी की याद ही नहीं आएगी। दूसरा फायदा यह है मुझे किसी की सताएगी ही नहीं याद। और तीसरा फायदा है कि उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। फिर इससे इससे क्या होगा कि मेरी जो भावनाएं, मेरे जो भाव हैं, मेरी जो भक्ति है, वो क्या होगा, बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मैं ये चाहती हूँ ये प्रभु, इसीलिए आप मुझे अपने पास में रखो। मीरा का कहना है कि प्रभु जब मैं उनके पास में रहूँगी तो मैं उनकी नौकर दासी बनकर रहूँगी, उनकी चाकरी करना चाहती हूँ, चाकरी से यही फायदा होगा मेरा। मेरे भाव जो उनके प्रति अनन्य भक्ति का जो भाव मेरा उनके पास, उनके लिए है, तो वो मेरा यही होगा कि हे प्रभु आप मुझे अपने पास रखिए, अपने पास रखेंगे तो मैं आपके नित्य उठ दर्शन करती रहूँगी, और वो दर्शन से मुझे ये फायदा होगा कि मेरे अजीज को, मेरे जिगर को ये भावना महसूस होगी कि हे प्रभु मुझे उस भाव से शांति प्रदान होगी, शांति मुझे मिलेगी, और हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ये जानते हैं। और उसके बाद भी मीरा कहना चाहती है कि मेरा जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी, वो अपने इस माध्यम से ये बताना चाहती है कि भाव भगति जागरी पासियों और तीन उबाता सरसी, तीन फायदे मुझे इस चीज़ से है, इसलिए वो हमेशा भगवान कृष्ण के पास में ही रहना चाहती है, और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त रहकर उनकी दीवानी बनकर रहना चाहती है ना। तो मीरा जी के हमने बहुत सारे भजन भी सुने, वो आपको मैं बाद में भी बताते, बीच बीच में बताते जाऊंगी कि मीरा जी जो थी वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति के कारण, अनन्य भक्ति थी, और वो भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण वो भगवान कृष्ण के लिए भगवान कृष्ण का ही गुणगान करती रहती थी। तो यहाँ पर हमने देखा मीरा अपने भाव को किस तरह से बता रही है, और यहाँ ये दो पद मैंने यहाँ से आपको समझाए हैं, तो आप उसे भी देख लीजिए कि ये दो पद मैंने, अब इसके बाद वाले पद आपको मैं बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये दो पद लिखे हैं उनके, उसके भी मैं अर्थ आपको बताना चाहती हूँ कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, है ना। वो कह रही है कि हे प्रभु आपको, आप जो कृष्ण का रूप है, वो कृष्ण का रूप बताना चाह रही है ना। आपने हमने देखा भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर खड़े हैं, राधा जी के साथ खड़े हैं, अपने टेढ़े से पैर कर लेते हैं, एक पैर को इधर रख लेते हैं, है ना, तिरछा रखकर, और उनका मुकुट वो इस तरह से झुकते हैं ताकि उनका मुकुट हमें तिरछा दिखाई देता है ना। तो और मोर का पंख वो लगाए रहते हैं हमेशा, भगवान कृष्ण की तो ये छवि है ना। तो भगवान कृष्ण की छवि को, भगवान कृष्ण की लीलाओं को मीरा ने बहुत अच्छे से बखान किया है। तो यहाँ पर हर पद में उन्होंने, यहाँ पे ये जो हम पद देख रहे हैं, वहाँ यहाँ पर हर पद में उन्होंने कुछ न कुछ ईश्वर और भगवान कृष्ण के बारे में बताया है। तो क्या कह रही है कि क्या कह रही है वो कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, भगवान कैसे शोभा दिखाई देते हैं कि भगवान जब मोर मुकुट, मतलब मोर का जो पंख लगाए या मुकुट पहने रहते हैं, भगवान को वो बहुत सुंदर, वो शोभनीय लगता है ना। मोर मुकुट पीतांबर, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण, भगवान कृष्ण हमेशा पीले वस्त्र धारण करते हैं ना, इसलिए बोलते हैं ना पीतांबर धारी। तो भगवान हरि, हरि का ही रूप है कृष्ण, हरि मतलब विष्णु, विष्णु का ही रूप राम, और राम का ही रूप है कृष्ण। तो हम
हरि उन्हीं को कहते हैं कि हरि जो है वो पीताम्बर धारण करते हैं। तो पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र पहनकर जब वो पहनते हैं और मोर मुकुट लगाते हैं तो उनकी शोभा इतनी बढ़ जाती है कि देखनीय होती है ना। कहने का मतलब ये है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, और हमेशा भगवान एक वैजंती फूल होता है और वो जो कभी ना मुरझाने वाला फूल कहलाता है वैजंती, है ना। तो वो वैजंती की माला हमेशा पहने हुए रहते हैं कि ताकि वो कभी मुरझाए ही ना। वो फूल ही ऐसा होता है कि वो वैजंती माला पहनकर भगवान की शोभनीय जो छवि है उस छवि को हम बखान नहीं कर सकते। मीरा कह रही है कि मैं बखान नहीं कर सकती हूँ कि इतनी सुंदर छवि भगवान की लगती है। कैसे कैसे लगती है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे और गल वैजंती माला, गले में वो वैजंती माला पहने हुए हैं, भगवान की छवि देखी नहीं जाती इतनी सुंदर। मैं उनको वो निहारना ही चाहती हूँ, उनको निहारते ही रहना देखना चाहती हूँ ताकि वो छवि मेरे नजरों से मेरे आंखों से एक भी बार ओझल ना हो। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला और बिंद्रा भूमि धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो कहती है उनकी वो छवि को और वो इतना सब पहन कर भगवान क्या करते हैं वृंदावन की गलियों में, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन के जो वन है वहाँ पर वो धेनु मतलब गाय है ना, गाय को चराने ग्वाल बाल के साथ में जब जाते हैं तो कौन मोहन मुरली वाला। वो कहती है कि भगवान की जो छवि है वो छवि देखनी है, उसको हम बखान नहीं कर सकते। वो बताती है कि मैं ऐसा बखान नहीं कर सकती हूँ ताकि मैं उस छवि को बखान नहीं कर सकती कि मोर मुकुट पीताम्बर पहनकर जब वो छवि तैयार होती है तो वो भगवान इस तरह से दिखाई देते हैं कि वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय को चराने के लिए भगवान जब जाते हैं तो वो गालों वालों के साथ में इतने शोभनीय लगते हैं, इतने देखनीय लगते हैं कि बस उनको निहारते ही रहना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको निहारते ही रहूं। तो ये दो पद भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसे भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने ये दो पदों को भी देखा है ना कि उन्होंने मीरा ने भगवान कृष्ण की हर लीलाओं को हर चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखते हुए भगवान की चाकरी इसलिए करना चाहती है ताकि मैं हर भगवान के हर लीला को मैं बखान कर सकूँ। और बखान तो क्या बोले, मैं तो क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनके पास रहना चाहती हूँ, उनकी चाकरी करना चाहती हूँ। चाकरी से ये मेरा मतलब है कि मैं उनके इर्द गिर्द उनके आस पास रहूँगी तो मुझे शाम सवेरे दर्शन होते रहेंगे शाम के, है ना। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने यहाँ तक बताया कि शाम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु नित उठ दर्शन पासु, और वृंदावन रे कुंज कलिन में गोविंद लीला गासु, है ना। यहाँ तक हमने देखा, फिर भाव भगति जागिरे पासु, ये मेरी भाव भक्ति का ही कारण है, मैं भाव भक्ति के कारण ईश्वर के पास रहना चाहती हूँ। तीन बाता सरसी, यानी मैं तीन बातों के लिए मैं इसलिए पास में रहना चाहती हूँ क्योंकि तीन बात से मुझे फायदे हैं, उसे तीन बातों के फायदे हैं कि वृंदावन में धेन मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, और मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, भगवान कृष्ण की वो छवि को मैं निहारते रहना चाहती हूँ, निहारना चाहती हूँ ताकि मुझे तीन फायदे हैं उससे। कौन कौन से तीन फायदे हैं? पहला फायदा तो वो है कि हमेशा मुझे कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे, मेरे इष्ट के हमेशा दर्शन होते रहेंगे, और वो दर्शन पाकर मैं मुझे जो सुकून मिलेगा वो मेरे भाव जो उनके प्रति जागृत होते हैं वो उससे मुझे जो सुकून मिलेगा वो दूसरा की, और मैं अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी, मुझे जो भी प्रिय हैं वो उनको जब मैं उनके दर्शन पाते रहूँ उन्हीं को उनका सुमिरन करते रहूँ तो मुझे किसी की याद नहीं सताएगी, किसी का अपनों की मुझे याद नहीं सताएगी, तीसरी उनकी भावभक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। तीसरा फायदा उन्होंने ये बताया कि मेरी जो भावभक्ति है वो कैसा बढ़ता ही चला जाएगा ताकि मैं भगवान कृष्ण में इतनी तल्लीन रहूँ कि मैं भगवान कृष्णमय होकर रह जाऊँ।
है ना, अपने आप को वो कृष्णमय बनाना चाहती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद वाला जो होगा वो और भी पद हैं, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।